गोरखपुर में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण ने रफ्तार तेज कर ली है। जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण प्रतिदिन नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। शनिवार को गोरखपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7000 को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार आज पिछले 24 घंटे के अंदर गोरखपुर जनपद में 282 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7008 पहुँच गई है, जिनमें से 1154 मरीजों का इलाज हो चुका है व स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, तो वहीं 2971 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन के तहत और 2780 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। ज़िले में शनिवार को कोरोना संक्रमण ने 3 मरीजों की जान ले ली। अब कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 103 पहुँच गई है। जनपद में आज जो 282 नए कोरोना के सामने आए हैं, उनमें शहरी क्षेत्र में 181 और ग्रामीण क्षेत्र में 80 सहित 21 अन्य कोरोना पॉजिटिव मरीज शामिल हैं। शनिवार को शहरी क्षेत्र में जो 181 नए संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए हैं, उनमें शाहपुर क्षेत्र में 45, कैंट क्षेत्र में 50, गुलरिया क्षेत्र में 3, गोरखनाथ क्षेत्र में 34, कोतवाली क्षेत्र में 19, राजघाट क्षेत्र में 1, रामगढ़ताल क्षेत्र में 13, तिवारीपुर क्षेत्र में 14 व चिलवाताल क्षेत्र में 2 मरीज पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो आज 80 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, उनमें बड़हालगंज क्षेत्र में 6, कैंपियरगंज क्षेत्र में 8, खजनी क्षेत्र में 1, पिपरौली क्षेत्र में 1, बेलघाट क्षेत्र में 1, सहजनवा क्षेत्र में 4, भटहट क्षेत्र में 1, गोला क्षेत्र में 2, पाली क्षेत्र में 2, सरदार नगर क्षेत्र में 3, ब्रह्मपुर क्षेत्र में 3, कौड़ीराम क्षेत्र में 3, पिपराई क्षेत्र में 10, उरवा क्षेत्र में 2 सहित अन्य 21 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव पाए गए कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों की कोरोना की जाँच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।